बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केबी फूड। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी वो है मूंग चने की। ये वाइट चने और हम चिकन बनाएंगे मूंग छोले। चिकन लिया है मैंने, तो चिकन के मैंने ये लेग पीस लिए हैं, छह सात लेग पीस ले लिए हैं मैंने। एक पाव वाइट चने लिए, इनको मैंने रात को मीठे सोडे में भिगो दिया था और फिर मैंने इसे बॉयल कर दिया। अब बॉयल देखें, मैंने हमें बॉयल इतना करना है कि ये देखें चने को यूँ पकड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाए, इतना बॉयल करना है हमें। नमक डाल के मैंने बस इसे बॉयल कर लिया। ये एक पाव चने थे, ये मसूर की दाल है जो लाल दाल होती है ना इस तरह की, इसे भी मैंने एक दो घंटे भिगो के तो ये देखें इसे इतना बॉयल कर लिया, बिल्कुल अच्छे से बॉयल किया है मैंने इसे। ये डालने से ज़रा चना में टेस्ट बड़ा मज़े का आता है और ग्रेवी भी ज़रा गाढ़ी गाढ़ी बनती है। और ये कुछ मसाले लिए हैं मैंने, हाफ टी स्पून क्रश चिली, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है नमक, क्योंकि चना में भी नमक डाला है मैंने और दाल में भी थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल किया। और ये हाफ टी स्पून मैंने कढ़ाई मसाला लिया, 1 टीस्पून ग्रीन चिली है पिसी हुई, 1 प्याली मैंने दही के लिए, आप टमाटर भी पीस के डाल सकते हैं थोड़े से, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का है और 1 बड़ी प्याज, और उसमें मैंने 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के इन सबको पीस लिया है। 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर है, और ये देखें 1 चुटकी मैंने लिया है सब्ज इलायची पाउडर, और 1 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर है बस। और अब चले पकाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये मैंने ये कढ़ाई लिया, आप जिसमें पकाते हैं उसमें पकाएं। तो ये मैं 2 खाने के चम्मच लिए क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे चिकन को। तो ये गरम हो गया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चिकन हम फ्राई कर लेंगे, चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाएगा, लाइट गोल्डन को हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करेंगे। बस अब हम चिकन को निकाल लेंगे और हम प्याज फ्राई करेंगे। अच्छा, मैंने ऑयल निकाल दिया है और ये इतना कटोरी जितना ऑयल रखा है मैंने पकाने के लिए, बाकी निकाल दिया है। और अब हम प्याज लहसुन अदरक और इसी में मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी पीसा हुआ है, इन सबको भूनेंगे। देखिए प्याज और लहसुन अदरक गोल्डन हो गए, अब हम ये सारे मसाले डाल के भूनेंगे। तो मैंने ज़्यादा मिर्च मसाले से यानी लाल मिर्च पाउडर से ज़्यादा मैंने ये हरी मिर्च डाली था। अच्छे से भूनेंगे सारे मसालों का कच्चापन, जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर हम चिकन और बॉयल सब चीज़ें डाल के फिर पकाएंगे। अब इस मसाले में क्योंकि हमारा चिकन कच्चा है तो हम थोड़ा सा इसे पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बस अब इसे चिकन को डाल के अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, मैंने 2-3 मिनट इसे भून लिया है चिकन डाल के। अब हमें चिकन को गलाना है, तो चिकन को गलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चने मैंने बॉईल किए थे ना इसी का पानी डालेंगे। ये बस डाल के हम चिकन को गला लेंगे, इसको ढक्कन ढक के चिकन गलने तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखें चिकन हमारा गल गया, अब हम ये जो दही है ये डाल देंगे इसमें, दही डाल के भूनेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जैसे ही दही डाल के जैसे हमने भूना है तो ये ऑयल छोड़ने लगे, ये देख। तो बस अब हम इसके अंदर वो बॉयल चने और वो बॉयल दाल डालेंगे और वो डाल के हम 5 मिनट और पकाएंगे इसे। ये है मसूर की दाल जो मैंने बॉयल की थी, इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी गाढ़ी गाढ़ी। बॉयल चने वाइट, तो ये मूंग छोले हमारे तैयार हो जाएंगे मज़ेदार से
लाइट मिर्च मसालों के बनाए हैं मैंने। ढकना ढक देंगे अभी हम इसमें और 5 मिनट हमें इसे और पकाना है, तो बस हमारा फिर फाइनल हो जाएंगे मुर्ग छोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब हमारे मज़ेदार से मुर्ग छोले बन गए। तो अब हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जायफल जावित्री का 1 चुटकी पाउडर और 1 चुटकी सब्ज़ इलायची, ये डाल दिया, मिक्स कर देंगे। चलें मैं अब आप डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन और वाइट चने तैयार हैं। तो आप इसे सुबह नाश्ते में बनाएं, संडे में इसे आप तिल वाले कुलचों के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आम तंदूर की रोटी से भी खा सकते हैं, चपाती से भी खा सकते हैं, बॉयल चावलों से भी खा सकते हैं, इसे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी मुर्ग छोले की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल को भी ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक किया करें, दोस्तों से शेयर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।